एक होटल दे विच वड़ के रिसेप्शन ते बैठे व्यक्ति दे नाल कुटमार किते जाण दा मामला सामने आया। दरअसल दस्या जा रहा है कि 19 अक्टूबर नूं पहला होटल मालक दी इन्हां नौजवानां दे नाल किसी गल नूं लैके बहस होई सी ते उस बहस तो बाद हुण इन्हां दे वल्लों बदला लिया गया, जिस दे विच दस्या जा रहा है कि होटल दे मालक ने पहला इन्हां नूं आउंदे होए दूरों ही सड़क तो देख लिया सी, जिस तो बाद वह तुरंत भज के तीसरी मंजिल ते पहुँच के अपनी जान नूं बचाउंदा है। पर दस्या जा रहा है कि रिसेप्शन ते बैठा व्यक्ति उत्थे ही रह जांदा है ते जो बदमाश आए से उन्हां दे वल्लों रिसेप्शन ते बैठे ही व्यक्ति नूं निशाना बना के उस दे नाल बुरे तरीके की कुटमार की जाती है। सिर तक उसका पाड़ दिता जाता है ते उसके सिर दे विच हुण कई टांके लगे ने, जिस तों बाद उन्हां दे वल्लों उस दे नाल कुटमार की जाती है ते कुटमार करन तों बाद उस नूं धमकियां दे के मौके तों फरार हो गए ने। दरअसल उत्थे होटल मालक का कहना है कि 19 अक्टूबर की रात नूं होटल दे विच रुकण वाले दो क्लाइंटां दे विचकार झगड़ा होया सी, जिन्हां दे विचों ये बदमाश भी शामिल सी ते उस समय किसी न किसी तरीके दे नाल सारे ही मामले नूं शांत करवा दिता गया सी। पर जांदे जांदे इन्हां दे वल्लों धमकियां दित्तियां गईआं सी कि ओह आउंदे समें दे विच उस नूं जरूर देखणगे ते बीते दिनां शाम नूं जदों ओह सामने तों लाठी डंडियां दे नाल लैस हो के आ रहे सी तां उस समय जो होटल का मालिक है उसने देख लिया ते अपनी जान नूं बचाउण दे लई ओह तीसरी मंजिल ते जाके लुक जांदा है। पर इन्ने दे विच जो रिसेप्शन ते बैठा व्यक्ति है ओह उत्थे ही रह जांदा है ते ओह बदमाश आके सीधा रिसेप्शन ते बैठे व्यक्ति दे नाल ही कुटमार करनी शुरू कर दिंदे ने, जिस दे विच ओह व्यक्ति गंभीर रूप नाल जख्मी होया। इस दे नाल ही होटल दे विच जो लगे हुए सी शीशे उन्हां तक नूं भी तोड़ दिता गया। तो मोहाली दे ढकोली एरिया दे विचों ये मामला सामने आया, जिते कि शरेआम गुंडागर्दी का नंगा नाच खेडिया गया। चार बदमाशों के वलों होटल दे विच वड़ के शरेआम रिसेप्शन से बैठे व्यक्ति नाल कुटमार की गई है। बबलू जी, क्या बात, क्या हुई, तोड़फोड़ हुई, कौन किसने किया, कौन फिर ये 19 के रात में हुई थी हमारा उनका कुछ गुंडा, तो वही लोग कराए हैं दोबारा, पर पहले एक दो रात हुआ तो दोबारा कल उसने वो दूसरे बंदे से हुई, तो उसकी उससे मेरी कुछ नहीं थी, आपकी बहस नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद मुझे यही लग रहा है कि वही लोग कराए कल रात जो हमला हुआ। हाँ जी, कितने बंदे थे रात? 4-5 बंदे थे, कुछ लोग बाहर भी थे। तो डंडों से किस चीज़ से, क्या क्या डंडों से मार दिए? कोई हथियार वगैरह तो नहीं था उनके पास? सर ये तो मैं अंदरूनी क्या है वो तो कुछ बोल के गए हैं, कुछ कह हाँ बाहर धमकी वमकी लेके गए हैं कि होटल नहीं चलने देंगे, ये नहीं चलने देंगे। तो पैसों पुसों की मांग भी करते हैं? हाँ, उससे पहले जब आए थे तो उन्होंने मांग रहे थे कि एक बोले रजिस्टर चेक करा दूँ 19 की रात में। रजिस्टर चेक कराने के बाद हमने कहा कि आप कौन होते हैं, कहीं मैं पुलिस में हूँ। फिर बोले कि आप पैस कितना पड़े हैं, कितना उस दिन रात में उन्होंने मेरे से, तो मैंने हाथ पाँव जोड़ के बाहर कर दिया। बाहर वाले बंदे वो भी आके इनको आपस में कि पहले से कहाँ क्या हुआ था ये मुझे नहीं। तो बंदे जानते हो वैसे कौन है, बंदे कहाँ के रहने वाले? सर ममते की हैं बंदे। ममता जी, पहले भी देखे हैं आपने यहाँ पर? हाँ जी सर, नहीं मैं पहली बार उस दिन 19 के रात में पहली बार वो लोग आए। आपको कैसे पता ममता के हैं? 100% ममता के हैं, क्योंकि वही लोग आए थे जब यहाँ मारपीट हुई थी, वही लोग एक दिन। आपको कैसे पता कि हाँ वो ममता के पहले? जी जैसे मैंने 19 के रात में उन्होंने धमकी दे के गए थे कि तुम्हारा होटल नहीं चलने देंगे, तोड़फोड़ मचा देंगे, वही चीज़ मुझे पता कि वही का लोग कर किए हैं और इतना दिन से चला रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये एक बंदे पर चोट लगी है? हाँ जी। सर में टांके हैं इसका? हाँ, एक कस्टमर को जिसकी गाड़ी टूटी है। हाँ जी।